माननीय आलोक जी, मंचासीन सम्मानित अतिथिगण और सभागार उपस्थित बहनों और भाइयों, जब परीक्षा में प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो तो परीक्षार्थी को कहना चाहिए कि मैं भी अब आउट ऑफ सिलेबस उसका उत्तर नहीं दूंगा। भारतीय समाज को हर मोर्चे पर, हर आयाम में यदि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और ये अग्नि परीक्षा भगवान राम के मंदिर के नाम पर होगा, उसके उन आयामों को समझना पड़ेगा कि यह बार बार अग्नि परीक्षा भारतीय समाज को क्यों देना पड़ेगा। कई प्रश्न उठे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने शब्दों से दूं, उसकी जगह मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। वह घटना इसलिए प्रासंगिक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने सोमनाथ मंदिर का जिक्र बार बार किया है। 1 अगस्त 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, उस पत्र को हम सबको पढ़ना चाहिए। उस पत्र में जो शब्दों का प्रयोग किया है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस भाव का प्रयोग किया है, वह उस मानसिकता को बताता है जिस मानसिकता को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी आज भारत की राजनीति को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और श्री गुरु जी ने रिजेक्ट किया था। हम उसी रिजेक्ट किए हुए नैरेटिव को लेकर एक पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं। उस पत्र का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। नेहरू जी ने उन मुख्यमंत्रियों को लिखा, जिस पॉम्प एंड शो के साथ सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ उसे पश्चिम स्वीकार नहीं कर रहा है। पश्चिम की मन और मानसिकता में वेस्ट डिसलाइक्स द पॉम्प एंड शो ऑफ सोमनाथ टेम्पल। ये नेहरू जी के शब्द। उन्होंने कहा कि जो हिंदू सांप्रदायिक संगठनों ने जिस काम को आगे बढ़ाया है उससे भारत की प्रतिष्ठा पश्चिम में गिरी है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी नीचे गई है, हमारी जो कन्विक्शन है, प्रतिबद्धता, उस पर सवाल खड़ा हुआ है। तो वे हिंदू सांप्रदायिक संगठन कौन थे जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण करने गए थे? उन हिंदू सांप्रदायिक संगठन का मैं नाम बता रहा हूं जिसे नेहरू सांप्रदायिक कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रेजरर के रूप में काम कर रहे थे, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख रहे थे। नेहरू जी सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और एनवी गाडगिल, ये 2 उस ट्रस्ट के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करते हुए जो भाषण दिया, वही भाषण आज राम जन्मभूमि के सवाल का जवाब है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, वी आर नॉट रेक्टिफाइंग हिस्ट्री, हम इतिहास को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं जिस बात पर करोड़ों लोगों की आस्था हो, जो करोड़ों लोगों के हृदय से भावना के साथ जुड़ी हुई चीजें हो, उसे कोई व्यक्ति या कोई शत्रु नष्ट नहीं कर सकता है। डॉक्टर प्रसाद ने आगे लिखा कि जिस प्रकार भारत की आस्था पर प्रहार किया गया है, सोमनाथ मंदिर का निर्माण नेशनल फेथ का की पुनर्स्थापना है, राष्ट्रीय आस्था की पुनर्स्थापना है। आज भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी उसी आस्था की पुनर्स्थापना होगी जिस आस्था पर बाबर ने मीर बाकी के द्वारा प्रहार किया था। इसके लिए ना कोई तर्क चाहिए, ना कुतर्क चाहिए, भारत अपनी आस्था की ओर आगे बढ़ेगा, चाहे बढ़ना जैसे हो। मित्रों, लोकतंत्र में 2 आयाम होते हैं। जब कोई विवाद होता है तो न्यायालय एक महत्वपूर्ण आयाम होता है, और उस न्यायालय में जिस भारतीय समाज की अटूट आस्था का ही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार यह दोहराता रहा है कि न्यायालय का निर्णय जल्द हो। जब न्यायालय ने अपने निर्णय के
बारे में यह कहा कि यह मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो लोकतंत्र में एक दूसरा आयाम होता है संसद। संसद की सर्वोच्चता अनकंटेस्टेड होता है, अनचैलेंज्ड होता है। संसद की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संसद के पास अधिकार है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर भी विचार कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके, क्योंकि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करता है और संप्रभुता जनता के बीच होती है। अब अंतिम अस्त्र भारतीय समाज के पास है कि संसद के द्वारा प्रस्ताव या कानून के द्वारा भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो। मित्रों, जब मैंने एक निजी विधेयक की बात की, प्राइवेट मेंबर बिल की बात की ही, उसका उद्देश्य कभी नहीं था कि भगवान राम को चौराहे पे खड़ा करके हम भगवान राम के अस्तित्व पर, उनके जन्म स्थान के प्रमाण पत्र पर विवाद करें। मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि जो लोग असली और नकली हिंदुत्व का विमर्श लेकर चुनाव के समय चल रहे हैं, मंदिर मंदिर घूमकर और असली हिंदुत्व क्या है इसकी परिभाषा गढ़ रहे हैं, ऐसे राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू से मैंने सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी तो अलग रही, संसद के हर व्यक्ति को एक अधिकार है कि वह विधेयक ला सकता है, संसदीय जनतंत्र का ये एक महत्वपूर्ण अधिकार का यदि प्रयोग होता है तो उनका उनकी भूमिका क्या होगी। किसी भी लोकतंत्र में यदि एक संसद सदस्य समाज के सामने, राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रश्न खड़ा करता है तो उसका जवाब संवाद के द्वारा होता है। मैंने उनसे यह भी आग्रह किया कि आप चाहें तो आप मुझे बुलाएं, मैं आपके घर पर आकर आपके विचार को जान पर समझ सकता हूं, लेकिन आज तक इन लोगों में से किसी का जवाब नहीं मिला। उल्टे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मैं एक फेक डिग्री लेकर राजनीति में हूं। मैंने कांग्रेस को प्रवक्ता को बताया कि शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम आने के कारण उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया, जाइए शंकर दयाल शर्मा जी से पूछिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछिए, राहुल गांधी की दृष्टि से सबको देखने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं दो सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 1978 में शाह आलम के जीवन पर, जो 16वीं शताब्दी में थे, एक पुस्तक की रचना हुई। जीत सिंह जी ने उनके जीवन चरित्र लिखा, जो मोहन भागवत जी के उन शब्दों पर प्रश्न किया गया उसका जवाब इसमें है। शाह आलम ने कहा था, भगवान राम का सुमिरन करने से हज यात्रा हो जाता है, इसलिए भगवान मोहन भागवत जी ने कहा कि राम जन्मभूमि का संबंध हिंदू मुस्लिम विवाद से संबंध नहीं है, इस प्रश्न का सवाल, इस यह प्रश्न भारत और विदेशी आक्रांताओं के बीच का सवाल है, भारत की अस्मिता का सवाल है। एक दूसरा प्रश्न उठा कि आखिर राम जन्मभूमि का धर्म और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, यदि यह राजनीति से जुड़ा मुद्दा होता तो कोई मुझे बता दे कि 1858 में सिख फकीर निहंग सिंह जी ने जब 25 सिखों को वहां तैनात किया कि इस भूमि की रक्षा करो, तो वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, तब कौन सा संसदीय चुनाव था। तो पहली बार एक FIR लॉन्च किया गया था, एक कंप्लेन लॉन्च किया गया था शीतल दुबे के नाम के थानेदार के द्वारा। दूसरा सवाल है, महंत रघुवर दास जी ने जब वहां मंदिर बनाने की पेशकश न्यायालय में की थी और तब भी न्यायालय से कहा था निर्णय दो, कम से कम न्यायालय ने तब निर्णय दिया था, उनकी अपील को खारिज की थी, तो महंत दास जी किस पार्टी को चुनाव जिताना चाहते थे, यह सभ्यताई सवाल है। और इस सभ्यताई सवाल भारत की राजनीति व्यवस्था से कहीं ऊपर है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन राम जन्मभूमि का आंदोलन
पिछले कई शताब्दियों से चल रहा है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आइडिया ऑफ इंडिया को पुनर्परिभाषित करना, भारत का तात्पर्य क्या है। यह भगवान राम की ही ऐसी अनुकंपा है कि यह आंदोलन लंबे समय तक चली। यदि इस आंदोलन का समाधान 1992 में हो गया होता तो शायद मंदिर तो बन जाता, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया पर डिस्कोर्स नहीं हो पाता। इस अनुकंपा के कारण आज भारत की परिभाषा कैसी हो, क्या पूजा पद्धति के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जाएगी, क्योंकि बहुलता की बात तो सभी पार्टी कर रहे हैं, छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतें कर रही हैं, डाइवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। बहुलता का लाभ उठाना और बहुलता का पोषण करना, दोनों में बुनियादी अंतर। हिंदुस्तान में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो संविधान के अधिकारों के तहत बहुलता का उपयोग अपने निजी अधिकारों के लिए, धार्मिक अधिकारों के लिए करता है, लेकिन यदि उससे पूछा जाए कि संविधान के द्वारा प्रदत्त बहुलता का पोषण करने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसका उत्तर आपको मालदा में मिल जाएगा, इसका उत्तर असम के उन जिलों में मिल जाएगा जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। इसलिए यह सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि मंदिर का निर्माण हो, सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है कि हमारे आस्था के प्रश्न पर 1558 में मस्जिद तोड़ने वाले आक्रमण आक्रांताओं से अपने आप को जो लोग जोड़ कर देखते हैं, उन्हें पुनर्चिंतन करने का यह अवसर मिला है। और यह पुनर्चिंतन चल रहा है, यही कारण है कि मुस्लिम समाज की चिंतन में एक महत्वपूर्ण बुनियादी परिवर्तन आया है। अर्बन सेंट्रिक मुस्लिम एलिट्स और रूरल सेंट्रिक मुस्लिम मासेज के बीच में एक बुनियादी अंतर आया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान हैं, वे भारतीय भाईचारा की बहुलता की परिभाषा के दायरे में काम कर रहे हैं। जो अर्बन सेंट्रिक या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रिक मुस्लिम एलिट्स हैं, अर्बन एलिट्स हैं, वे भारतीय समाज में अभी भी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की भूमिका में काम कर रहे हैं। एक इसका दूसरा पक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, कि तीन बातें होती हैं किसी बात की वास्तविकता को जानने के लिए। पहली होती है कि जो इतिहास में ट्रेवलर्स आते हैं, यात्री आते हैं, उन्होंने समाज का विवरण किस तरह से दिया है। मैं दो ट्रेवलर्स का नाम ले रहा हूं, एक इंग्लैंड से आए थे विलियम फिंच, ये 17वीं शताब्दी में आए थे, 1607 से लेकर 1611 तक भारत में थे। दूसरे ऑस्ट्रेलियन थे, वो टिफिन थालर थे, जोसेफ टिफिन थालर, ये 18वीं शताब्दी में आए थे। दोनों ने अपने वृत्तांत में लिखा कि हाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़ा गया। इन दोनों का संबंध ना तो विश्व हिंदू परिषद से था, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, ना भारतीय जनता पार्टी था। ये सभी तीनों संस्थाएं तो आधुनिक युग के प्रतीक हैं, यह तो मैं मध्य युगीन बातों को उठा रहा। दूसरा तर्क होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। औपनिवेशिक काल से लेकर अब तक 4 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 4 बार वहां खुदाई हो चुकी है। चौथी और अंतिम और तीसरी खुदाई तब हुई थी जब आपातकाल था, और चौथी खुदाई तब हुई 2003 में कोर्ट के निर्देश में हुआ। 12 मार्च 2003 से लेकर 7 अगस्त 2003 तक खुदाई हुई। उसके जो परिणाम निकले, वह परिणाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास था, जिसके आधार पर निर्णय दिया गया, जिसका बार बार जिक्र किया गया। तीसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है इतिहास में उसका क्या स्थान है। देखिए, इस विवाद के पीछे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस देश में प्रदूषण फैलाने का बड़ा काम किया। 1889 में एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया 25 जवाहरलाल नेहरू के इतिहासकारों ने, उसमें अधिकांश जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से थे, पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट, एनालिसिस ऑफ 25 हिस्टोरियंस। उसमें तीन बातें कही, जिन तीन बातों को लेकर आज पूरा विमर्श
लेफ्ट हिस्टोरियन और कांग्रेस पार्टी करती रही है। पहला कहा कि राम वास्तव में नहीं थे, एक। दूसरा कहा अयोध्या एक मिथ था, अयोध्या नाम की कोई नगरी नहीं थी। तीसरा कहा राम कल्ट 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। अब जिन इतिहासकारों को अथर्ववेद का पता नहीं हो, अथर्ववेद की रचना काल क्या हो, उनसे मैं क्या विमर्श करूं। अथर्ववेद में अयोध्या का विवरण है। ऋग्वेद के दो श्लोकों में एक श्लोक में राम के लिए राजा शब्द का प्रयोग है। स्कंद पुराण में बार बार अयोध्या का उल्लेख हुआ है और उसी अधिष्ठान के आधार पर सोनिया गांधी जिस यूपीए सरकार में चेयरमैन थी उसने सर्वोच्च न्यायालय को हलफनामे में कहा राम इज ए मिथ। जो लोग इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, जिस तरह से आजादी के आंदोलन के तीन चरण थे, 1920-21 में असहयोग आंदोलन हुआ वह एक वार्निंग थी, 1992 में 1932 में जो आंदोलन हुआ 30 से 32 तक वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ वह तैयारी थी, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ जो अंग्रेजों की विदाई की अंतिम घड़ी थी। 1990 का आंदोलन असहयोग आंदोलन था, 1992 का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट था जिससे मस्जिद ढांचा टूटा, और 2018 का आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट है। ऐसी तमाम ताकतों को जो गलत नैरेटिव के आधार पर दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में बहुमतवादी शासन हो रहा है उनको मैं बता देना चाहता हूं, आज नहीं 23 अप्रैल 1895 को केसरी नामक मराठी अखबार में बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा था कोलावा में शिवाजी के टॉम का कि हालत क्या है, क्या राष्ट्र ऐसे चलता है, और तिलक के एक लेख के आधार पर रायगढ़ जो कोलावा में है वहां उन स्टॉम्ब के पुनर्निर्माण का यज्ञ शुरू हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तरह हिंदुस्तान में फैल गया। जिस राष्ट्रवाद की लड़ाई बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महर्षि अरविंद आजादी से पहले लड़ते रहे, जिसे कांग्रेस की वह धारा दबाती रही जिसका नेतृत्व तो जवाहरलाल नेहरू करते रहे, उसी लड़ाई का पुनर्जन्म राम जन्मभूमि के आंदोलन के रूप में हुआ है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना का यज्ञ है और मुझे उम्मीद है कि भारत की संसद, भारत की सरकार और भारत की समाज मोहन भागवत जी के उस नैरेटिव को स्वीकार करेगी कि यह हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। जो मुसलमान इस विवाद को हिंदू मुस्लिम विवाद मानते हैं उन्हें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि भारत की राष्ट्रीयता का आयाम यदि पूजा पद्धति से होगा तो आने वाले समय में भारतीय परंपरा में सैकड़ों हजारों पूजा पद्धतियां जन्म लेंगी। सिमेटिक रिलीजन्स में एक पूजा पद्धति आती है वहीं से आदि और अंत होता है। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन में पूजा पद्धतियों की कोई सीमा तय नहीं हो सकती, जीवन मूल्यों की कोई सीमा तय नहीं हो सकती है, इसलिए ये आस्था, जीवन मूल्य, राष्ट्रता से ऊपर भगवान राम के मंदिर का निर्माण एक सभ्यताई लड़ाई है। हम उस सभ्यता का निर्माण करने निकले हैं और उस सभ्यता की कड़ी आपको दक्षिण कोरिया में मिलेगी, आपको मलेशिया में मिलेगा, आपको इंडोनेशिया में मिलेगा, वहाँ राम के नाम पर कोई विवाद नहीं है। अटल जी की का एक गूगल पर आप ढूंढेंगे उनका एक छोटा सा स्पीच है, वे जब इंडोनेशिया गए उनको कहा गया योर एक्सलेंसी आप रामलीला देखेंगे, तो अटल जी ने कहा कि यहाँ रामलीला, बोला हाँ राम हमारे पूर्वज थे। तो जो इंडोनेशिया में राम को पूर्वज मानते हैं भारत में पूर्वज नहीं मानते उनके लिए यह समय है कि आत्मालोचन करें। और मैं इन्हीं बातों के साथ एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, राजनीति की अपनी सीमाएं होती हैं, जो समाज अपनी व्यवस्था में जीता है वो समाज कभी भी
सम्मान के साथ नहीं जी सकता है। तो व्यवस्थाओं से निकलकर जब समाज आगे बढ़ता है तो राजनीति उसके पीछे चलती है, और भारतीय समाज ने सीख लिया है उन व्यवस्थाओं से आगे निकलने का, और समय आ गया है कि आगे निकलकर भगवान राम के मंदिर का निर्माण करें। जिसे साथ चलना है चले, जिसे पीछे छूटना पीछे छूट जाए। जय श्री राम। थैंक यू सिन्हा सर, शब्द नहीं है आपकी इस इंस्पायरिंग स्पीच के लिए, लेकिन हम एक बार ताली और बजा।